तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू लिंक अ पेज एंड अ सेक्शन विद अ बटन इन वर्डप्रेस एलिमेंटर पेज। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए एक लिंक को यानी कि एक पेज में हम मल्टीपल बटन को कनेक्ट करेंगे विद सेक्शन, पेज सेक्शन से। ठीक है, लेट्स देखते हैं कैसे। ओके, गो टू लेट्स। तो हम आ जाते हैं, देखिए ये हमारा किधर गया, ये है। ओके, तो इसको हमने ओपन कर लिया और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे ये वेबसाइट ओपन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बटन बनाने वाले हैं, या ये जो बटन है मान लो, चलो सपोज के लिए हम देख लेते हैं, मान लो अबाउट अस का बटन है और इस पर हम लिंक को अटैच करेंगे पर्टिकुलर एक सेक्शन को, मान लो आवर सॉल्यूशन को हमने इससे कनेक्ट कर दिया। तो सेम पेज में ये अबाउट अस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आवर सॉल्यूशन पर ये डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेम पेज पर। तो इस तरीके से हम और कॉन्टेक्ट अस को हम लिंक देंगे, मान लो टेस्टिमोनियल, ये है अपना स्लाइडर, स्लाइडर से हम कनेक्ट कर देंगे तो डायरेक्टली ये स्लाइडर को ओपन करेगा। जब हम क्लिक करेंगे तो होम पेज पर कहीं पर भी रहेगा बट वो डायरेक्टली नीचे डाउन हो जाएगा, यानी कि पर्टिकुलर सेक्शन पर ही गो हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा। ओके, तो देखिए लिंक अ पेज, ओके लिंक हाउ टू लिंक अ पेज। ठीक है, पेज को हम लिंक करेंगे। ठीक है, एंड अ सेक्शन विद अ बटन, बटन के थ्रू। ठीक है, तो हम एक यहाँ पर आते हैं एलिमेंटर एलिमेंटर एडिट विद एलिमेंटर के अंदर में हम आ गए। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं, चलिए इसको भी हम यहाँ से हम एडिट करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, कैसे हम एक बटन को लिंक करेंगे पर्टिकुलर सेक्शन से। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीपल सेक्शन बने हुए हैं। सेक्शन कौन सा है, लाइक दिस, ओके दिस एंड दिस, राइट। तो इस तरीके से मल्टीपल इसमें सेक्शन बने हैं, हम किसी भी सेक्शन को लिंक दे सकते हैं बटन के थ्रू। ओके, तो देखिए तो आपको क्या करना है, मान लो हम चलते हैं, चलो ये है हमारा। ठीक है, सेक्शन को भी दे सकते हैं पर्टिकुलर किसी कॉलम को, या अपना जो इमेज एडिट इमेज बॉक्सेस है इसके थ्रू भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो पेंसिल पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा एक लिंक ऑप्शन, देखिए लिंक ऑप्शन है, और इसके अलावा इसमें मिलेगा ऑप्शन एडवांस। ठीक है, कहीं से भी किसी को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं बटन के थ्रू। ठीक है, तो हम मान लो एडवांस में आए, मान लो हम पर्टिकुलर एक सेक्शन लेते हैं, सेक्शन हमारा यही है सब। ठीक है, वाई अस, इसमें हमारा हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो हम डायरेक्टली सेक्शन को दे देते हैं और किसी को भी आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, कॉलम को भी दे सकते हो। तो इस पर हमने क्लिक किया, एडवांस में आएंगे और एडवांस में आने के बाद आपको मिलेगा ऑप्शन CSS ID। ओके, इस पर आप YS, चलो हम डाल देते हैं YS, हमने लिख दिया YS लिख दिया। ओके, तो ये क्या बन गया, CSS ID बन गया। ओके, CSS ID बन गया, इसके थ्रू हम फेच करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो बटन बना लेते हैं फटाफट, यहाँ से हम बटन ले देते हैं। ठीक है, बटन हमने लिया, देखिए ध्यान से देखिएगा, और ये हमने बटन लिया और इसी को हम कॉपी कर देते हैं, डबल कर देते हैं, और फर्स्ट वाले बटन को हम दे देते हैं नाम डेमो डेमो 1। ओके, एंड सेकंड वाले बटन को हम दे देते हैं नाम, सेकंड वाले बटन को हम दे देते हैं डेमो 2। ओके, दो बटन हमने बना दिए। अब फर्स्ट वाले में, जो फर्स्ट वाला हमारा है, इसमें हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कनेक्ट क्या करेंगे, चलो हम इस बटन को थोड़ा सा बीच में ले लेते हैं, अच्छा लगेगा, बीच में हमने ले लिया। सेकंड वाले बटन को भी हम बीच में ले लेते हैं, ये हमने दोनों ले लिया। ओके, तो फर्स्ट वाले बटन में हम क्या करेंगे अभी, ओके
तो हमने जो आईडी अभी क्रिएट किया है सेक्शन का, आईडी कौन सा है वह देख लेते हैं। इस पर हमने क्लिक किया कंटेनर पर और एडवांस में आया और यहाँ पर हमने वाईएस का आईडी क्रिएट कर दिया और अपडेट पर क्लिक करेंगे बराबर। और यहाँ पर आकर के बटन में हम फर्स्ट वाले बटन में लगाते हैं लिंक, ठीक है। तो लिंक कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर है लिंक, इसको हमने यहाँ पर क्या करना है, ये होम पेज है ठीक है। तो होम पेज का यूआरएल क्या है, बाय डिफॉल्ट हमारा यूआरएल ये रहे बराबर। ये यूआरएल भी किसी भी पर्टिकुलर कोई भी पेज हो उसका आपको यूआरएल यहाँ से कॉपी करना है ठीक है। देन यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, देन आपको क्या करना है फॉरवर्ड स्लैश को रिमूव कर देना है और यहाँ पर टाइप करना है हैश, और उसके बाद जो आपने आईडी बनाया है उसको यहाँ पर टाइप कर देना है। आईडी है हमारा वाई, देखो WHYS बराबर, यही हमने आईडी वहाँ पर क्रिएट किया था। हैश लगाने के बाद YS आप यहाँ लिख दीजिएगा जो आईडी आपका आपने वहाँ पर सेव किया है सेक्शन का ठीक है। यहाँ इसको हमने कर दिए, अब सेव करेंगे और सेकंड वाले बटन के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड वाले बटन के लिए मान लो हम पोर्टफोलियो का ले लेते हैं, ये पोर्टफोलियो है तो यहाँ पर हम इस सेक्शन को लेते हैं और ये सेक्शन डायरेक्टली फेच हो जाएगा। मान लो कैमरे को लेते हैं, चलो सीसीटीवी कैमरे को ले लेते हैं बराबर। तो सीसीटीवी कैमरे को हमने कंटेनर को क्लिक किया और एडवांस में आया ठीक है। एडवांस में आने के बाद यहाँ पर हमने डाल दिया सीसीटीवी बराबर, ये आईडी हो गया। अब हम नेक्स्ट ऊपर चलेंगे और सेकंड वाले बटन में हम लिंक दे देंगे, क्या लिंक दे देंगे, कंटेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले हम यूआरएल को पेस्ट करेंगे, यूआरएल हमारा क्या है, हम होम पेज पर ही टेस्ट कर रहे हैं। आपका कोई दूसरा पेज रहेगा ठीक है, डेल का रहेगा, एचपी का रहेगा, लेनोवो का रहेगा, तो उस पेज का पर्टिकुलर यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करिए, फॉरवर्ड स्लैश बाद का हटा दीजिएगा, हैश टाइप करिएगा और आप टाइप कर दीजिएगा सीएसएस आईडी। सीएसएस आईडी अभी हमने क्या डाला, देखिए सीसीटीवी हमने डाला, सीसीटीवी बराबर, यहाँ पर हमने डाल दिया, टाइप कर दिया और उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर दिया और देन हम चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं हमारा क्या है, मॉडम आईटी सॉल्यूशन डॉट कॉम ओके, ये हमने कर दिया। अब देखिए फर्स्ट दो बटन है ठीक है, दोनों मैच हो गया है, इसको हम थोड़ा सा गैप भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ से हम गैप रख देंगे और यहाँ से हम दे देते हैं टॉप में 20 दे देते हैं, तो थोड़ा सा गैप आ जाएगा और इसको हम फिर वापस से रिफ्रेश कर लिया और एक बटन के यानी कि बिटवीन दोनों में गैप हो गया ओके ठीक है। अब हम फर्स्ट वाले, अब देखिए हमने लिंक भी लगा दिया, अब फर्स्ट वाले डेमो यानी कि फर्स्ट वाले बटन पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये रीडायरेक्ट यहाँ कहाँ पर ले जाता है ठीक है। अब देखिए हमने क्लिक कर दिया और ये डायरेक्टली हमारा इस सेक्शन पर लेकर के आ गया, बिकॉज क्योंकि हमने इसी सेक्शन का हमने वहां पर लिंक लगाया था ठीक है। ओके हम ऊपर आ गए, ओके सेकंड वाले बटन पर हम क्लिक कर रहे हैं। अब देखिए सेकंड वाला बटन हमारा कहाँ लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे में लगा हुआ है और सीसीटीवी कैमरे का ये है प्रभा पोर्टफोलियो हमने बोला, तो इसके नीचे हमने लगा दिया यानी कि इसी पर हमने लगाया ठीक है। तो इस तरीके से आप एक बटन का लिंक किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को आप लिंक दे सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वही सेक्शन ओपन होगा जो आपने लिंक दे रखा। ओके थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।